इसमें निशिकांत दुबे जी का क्या बात है? अच्छा, निशिकांत दुबे जी ने यहाँ की बिजनेस लाने का काम किया है, फैक्ट्रियां लाने का काम किया है, यम्स लाने का काम किया है, रेलवे का लाइन बिछाने का काम किया है, एयरपोर्ट लाने का काम किया है, यहाँ आईटी पार्क आए हैं, अनेकों ऐसी चीजें हैं जो लाने का काम किया है उनकी काम। इसीलिए वोटरों से वोट नहीं मांगेंगे। देखिए, जनता खुद ही उनका सपोर्ट कर रहा है, जनता घर से निकल कर करके महिलाएं, वो तो कह रहे हैं कि जनता से वोट नहीं मांगेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे आराम। जनता उनका अपने आप सपोर्ट कर रहा है, खुल के सपोर्ट कर रहा है, तो जो शायक आएंगे जहाँ जाकर के उनके साथ बात करेंगे। जनता उनके समर्थन में कहीं प्रदर्शन कर रही है क्या? उनके समर्थन में, उनके समर्थन में रोड पर आई है कि वोट हम बिल्कुल देंगे? समझे क्या बोले? जनता उनके समर्थन में कहीं रोड पर आई? जनता ने बोल दिया है कि आप मत आइए, हम लोग आपके साथ हैं, आपको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग क्या मान रहे हैं? आप लोग का समस्या कोई है? बोलिए क्या है? यह इतना बड़ा गांव, 8100 घर का बस, कितना? 8100। अच्छा, हाँ, 81 घर का, 8000 देवघर जिला के अंतर्गत, किन्तु यहाँ पानी का कोई, तो आपने पानी की समस्या एमपी महोदय के पास कभी रखा था? कोई रखा था? एमपी महोदय से भेंट होगा तो हमने कहेंगे। आज तक उस क्षेत्र में नहीं आया? आई क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। पानी के, पानी वाला किसका अस्पताल बोला गया था? क्या 100 बेड का अस्पताल यहाँ पर शिलान्यास किए थे? हाँ, वो नहीं हुए। वो अस्पताल चालू नहीं हुआ? वो कितना दिन पहले खोले थे? क्या बोल सर, कितना दिन पहले खोले थे? मतलब आपका हो गया समथिंग 2 साल पहले ही। वो एसआई का हॉस्पिटल है। अच्छा, करो गांव में है? कहाँ पे होगा? करो गांव को गोद लिए थे? किस गांव को? हम भूल रहा हूँ, डिंडापुली। उसका विकास क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर शिलान्यास किया हुआ है, रोड का वो शिलान्यास छोड़ दिया, फिर जो रास्ता है जैसे का तैसे रखा हुआ है। वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं आता है। वो एमपी का काम नहीं है, वो एमएलए का काम होता है। वही शिलान्यास किए थे? शिलान्यास जो करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल होता है। और डिंडा कोली के बारे में सर क्या कहेंगे? डिंडा कोली में देखिए जाकर करके, जो गोद लिए वो कुछ नहीं हुआ संभव? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप लोग जरा टाइट से बोलिए, कुछ हुआ? ये तो ये, अरे आप लोग भी कुछ बोलिए ना, हुआ तो हाँ बोलिए। बोलिए ना सर, एक बात बोलूंगा, एम्स हुआ, लाइन बना, बड़ा चीज, एयरपोर्ट बना, एम्स हुआ, जिंडल का फैक्ट्री बना, लेकिन ओरिजिनल हकीकतर बोलिएगा तो मैं कोई राजनीतिक पार्टी वर्तमान नहीं करता हूं, लेकिन ना फैक्ट्री में कितने लोगों को फायदा कम, फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को कितने को सर्विस मिला, लोगों को फायदा नहीं कम। आज एम्स में 5% लोग झारखंड का है, 95% लोग अदर स्टेट का है, तो फिर तो मतलब 5 झारखंड के लोगों को फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं ना हुआ, एम्स हुआ है, ट्रीटमेंट होता है हमारा, ये फायदा हुआ। रेल है, हम उसमें चढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में जिंडल में भागलपुर का मैक्सिमम लोग काम करते हैं। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।